यहाँ पर एक स्प्लिट एसी देख सकते हैं। इसमें एक फॉल्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या फॉल्ट है कि जब हम एसी को ऑन कर रहे हैं तो रिमोट इसमें काम नहीं कर रहा है। इस एसी में रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और 24 पर एक जगह पे बस केवल चल रहा है एसी। ना तो मोड चेंज हो रहा है, ना तो बिल्कुल रिमोट काम ही नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या फॉल्ट है, आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको कि टेस्टिंग कहाँ से करेंगे। तो हमने एमसीबी हम ऑन करते हैं, उसके बाद देखिए एमसीबी ऑन होने के बाद क्या प्रोसेस होता है। यहाँ से हमने एमसीबी ऑन किया, अब यहाँ पर देखिए ऑन तो डिस्प्ले ए ऑन ऑन नहीं हुआ। अब ये एमसीबी ऑन होने के बाद यहाँ से रिमोट से ऑन होना चाहिए इसको। तो देखिए रिमोट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल रिमोट काम नहीं कर रहा है। अब ये ऑन कहाँ से होगा, एक और ऑप्शन होता है दूसरा ऑन करने का। हर एक पीसीबी में तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी पीसीबी में होता है। रिमोट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पीसीबी में एक बटन होता है, देख सकते हैं एक बटन होता है पावर ऑन ऑफ का। इस बटन को हम ऑन करेंगे, देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया, लेकिन 24 पर केवल ये चल रहा है। अब यहाँ पर हम रिमोट से हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए 24 पर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है रिमोट से। तो इसमें ख़राबी कहाँ पे है, इसमें ख़राबी या तो हो सकता है पीसीबी में हो, या तो इस डिस्प्ले में सेंसर होता है, सेंसर काम नहीं कर रहा है। रिमोट तो सही है, मैं रिमोट दिखाना चाहूँगा। देखिए देखिए रिमोट ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ऑन करना पड़ रहा है, पीसीबी में एक बटन है। तो यहाँ से ऑन करने पर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक रिमोट काम नहीं करेगा। देखिए डिस्प्ले तो ऑन है, लेकिन इंडोर ऑन नहीं हुआ। ये जो हमारा ब्लोअर है, ब्लोअर नहीं चल रहा है, आउटडोर को सप्लाई भी नहीं है। तो या तो पीसीबी में ख़राबी है, या तो इस डिस्प्ले में ख़राबी है। तो हम डिस्प्ले, हमारे पास एक है डिस्प्ले, हम चेंज करते हैं। आप ये देख सकते हैं दूसरे एसी का मैं डिस्प्ले निकाल के लाया हूँ। अब इसे हम चेंज करके देखते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। अगर यह डिस्प्ले चेंज करने के बाद अगर एसी रन कर गया, तो फिर समझ लीजिए कि पीसीबी सही है, डिस्प्ले में ख़राबी है। अगर डिस्प्ले लगाने के बाद भी एसी नहीं चला, तो सीधा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि पीसीबी ख़राब है। बस इतना सा होता है चेक करना, आसानी से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एमसीबी बंद करके इसे हम डिस्प्ले चेंज करते हैं, उसके बाद फिर से एसी को चलाते हैं। तो यहाँ से हमने एमसीबी को ऑफ़ कर दिया, देखिए ऑफ हो गया है। अब इसे हम चेंज करते हैं। तो हमने डिस्प्ले चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं उसमें जो डिस्प्ले पुराना लगा हुआ था उसका वायर ये नीचे रहा जैक, और नया हमने डिस्प्ले जो लगाया ये आप देख रहे हैं लटक रहा है, इसका जैक पीसीबी में लगा हुआ है। तो अब हम टर्न ऑन करते हैं एमसीबी को, अब देखते हैं कि क्या होता है रिस्पॉन्स। ए हमने ऑन किया, न्यूट्रल और लाइन। अब हम रिमोट से ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए डिस्प्ले बंद है और रिमोट से हम ऑन करते हैं। ये देखिए रिमोट से ऑन हो गया और इंडोर भी अभी चल पड़ा, देखिए इंडोर भी चलने लगा। अभी इससे ये क्लियर हो जाता है कि पीसीबी सही है हमारा। अगर पीसीबी में ख़राबी होता तो दूसरा डिस्प्ले लगाने के बाद तो नहीं चलता ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा डिस्प्ले हमने लगाया, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है और इंडोर भी चल रहा है, आउटडोर को भी सप्लाई पहुँच गया है, आउटडोर भी चल रहा है। मतलब पीसीबी हमारा सही है। ये हमारा, ये जो हमारा पुराना वाला ना, ये ख़राब है, इसे हमें चेंज करना है, नया लगाना है। बस इतना सा प्रोसेस होता है चेक करने का। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले।